आदिवासी सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे वन एवं पर्यावरण मंत्री गणपत वसावा को जोरदार विरोध का सामना करना पड़ा। गुस्साई भीड़ ने वसावा को न सिर्फ विरोध किया बल्कि उनकी गाड़ी पर पथराव भी किया। हालात ऐसे हो गए कि मंत्री जी को पुलिसकर्मी कड़ी मशक्कत के बाद किसी तरह सुरक्षित निकाल पाए। आदिवासी सम्मेलन में पहुंचे गुजरात के वन और पर्यावरण मंत्री गणपत वासवा को शायद इस विरोध का इल्म रहा होगा। मंत्री जी आए तो थे सम्मेलन में आदिवासियों से बात कहने, लेकिन गुस्साए लोगों ने उन्हें एक शब्द कहना तो दूर, उन्हें मंच के करीब तक पहुंचने नहीं दिया। दरअसल मौका गुजरात के राजपीपला में आदिवासियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का था। वसावा इसी सम्मेलन में पहुंचे थे, लेकिन उनके पहुंचते ही भीड़ ने नारेबाजी शुरू कर दी। मंत्री जी के साथ चल रहे लोग भीड़ को शांत कराने की कोशिश करते रहे, लेकिन भीड़ जबरदस्त नारेबाजी करती रही। भीड़ को शांत कराने की कोशिशें जब नाकाम हो गईं, तो मंत्री जी ने वापस लौटना ही बेहतर समझा, लेकिन फिर भी बात नहीं बन पाई। गुस्साई भीड़ नारेबाजी करते हुए वसावा के करीब पहुंचने की कोशिश करने लगी, धक्का मुक्की होने लगी, जिसके बाद सुरक्षा कर्मी कड़ी मशक्कत के बाद वसावा को सुरक्षित बाहर निकालकर गाड़ी में बैठा पाए। इतना ही नहीं, हजारों की भीड़ की नारेबाजी के बीच वसावा को पुलिस ने जब बाहर निकालकर उनकी गाड़ी में बैठाया, तभी भीड़ ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। पथराव में मंत्री जी की गाड़ी का शीशा टूट गया। हालांकि उन्हें कोई चोट नहीं आई। विरोध की वजह से सम्मेलन स्थल पर पहुंचने के 15 मिनट के भीतर ही वसावा को विरोध के बीच वापस लौटना पड़ा। बताया जा रहा है कि गुजरात में चारण, भरवाड़ और सीढ़ी मुस्लिमों को आदिवासी घोषित कर नौकरी देने की वजह से आदिवासी समुदाय नाराज है और पिछले कई महीनों से विरोध कर रहे हैं। चुनाव प्रचार के दौरान भी आदिवासियों ने गणपत वसावा का विरोध किया था, और रविवार को जब वसावा आदिवासियों के सम्मेलन में पहुंचे तो एक बार फिर उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा।